बैठ गए हैं बस में। बस में अभी यही रहेंगे कि जाएंगी? नहीं, ये तो कल चली जाएंगी। कल जाने वाले हैं भैया। 5 दिन का दे देते हैं आपको? 3 दिन का दे देते हैं? 5 दिन का दे दीजिए, ठीक हो जाए। नहीं, हाँ, सूखने के लिए दे दीजिए। पैर का भी फोटो खींच लेना, कितना फूटा है। किसी तरह से खींच देना, तुमने मामी ज्यादा देखती है। सूझना कि भाई तो मजाक आ था, कितना सूझ हुआ पर सब कुछ कर रहा है सब सारा। सूझना है ना, कम होता हो जाए, दवा खाएंगी ना, हो जाएगी 2-3 दिन में। ऐसा ठीक हो तो कल ना चाहिए थी, आजकल नीतू तो ज्यादा पागल है। मामा का फोन खाके दे दो, लाओ बाकी दे सुबह चिकते दो ताकि लेकर देता। चल आप फोन तो दिखाने पे चाहिए। चुप रहते चलते घर चुप मार के तो तल रहे। हटो पहले जब तक सुपना जी तो भोजन ले आई जाए। क्या सब्जेक्ट लिए तुम? कितना हुए हैं उसमें? 54। एक बार कितना मेरा? चल तू भाई, तू चल। तब आयो तब आयो अरे किशन, ना ही लड़की दे दो, इतना मना ही नहीं है, दे दो। पूरी बड़ा बड़ा नहीं दे। ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। नजर झाड़ते हुए बैठो, नजर झाड़ दूँ तुम्हारा। ये बल्लेबाज नजर झाड़ते हुए पता नहीं कौन सा टोट के पाउडर खा रहा है। स्माइल अचार मिला था भाई, मामली बात भाई। जितना सामान बा कुल खाली कई दे घरे सबने। का का रखे हो? जान जान रखे हो, कुल दे दू। कुल दे दू, बल्कि हम यहाँ से ट्रक कई लेब चले हुए। चलो चलो चलो, बाय बाय बाय। दवाई डब्बा ले लू ना, पूजा सिंह करके लिख लीजिएगा। पूजा सिंह करके लिख लीजिएगा।
ऑनलाइन पेमेंट किया था, दोनों कपड़े एक साथ रख दिए किसी टोली में, रख दिए सो गाइस हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं बस स्टॉप जाने के लिए। किसका पैसा? वो 50 रुपए। चलिए बने रहिए, आज हम लोगों को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस में बैठ जाऊंगी तो 1.25 घंटा पहुंच जाऊंगी। चलिए बस निकल गई है, अभी को इतना तेज झटका मारी ना कि मेरा तो मुंह फूट गया है इस सीट से, मैं तुरंत चिल्लाने लगी भैया नहीं नहीं लेके जाना बता दूं मैं। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आएंगे पापा बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नहा आ चुकी हूँ, कल मैं आई थी इतना थक गई थी ना और इतना लेट हो गया था आने में, 8 बज गया था आने में, तो इसलिए मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई, बस आई थोड़ा सा खाना खाई और सो गई थी, और सुबह मैं 8 बजे सो के उठी थी। और कल है बच्चों का बर्थडे, 17 तारीख है, आज आरों के लिए एक कपड़ा लाना है, जाऊंगी शाम को, धूप में तो नहीं जाऊंगी, शाम को जाऊंगी लेकर आऊंगी। और यहाँ पे सफाई चल रही है, ये देखिए दादाजी की बरसी है ना 19 तारीख को, तो उसी की सफाई शुरू हो गई है। बच्चे घर में बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, नहाना वाना हो गया है, खाना भी मेरा हो गया है, ऐसे ही आई थी थोड़ा सा अम्मा को देखने, हम लोग दादी को अम्मा बोलते हैं, तुनी को देखने आई थी, देखी बैठी थी तो फिर मैं चली आई, किसी से बात कर रही थी। कल तो हादसा होते होते बच गया, इतना जो बस ड्राइवर था इतना ख़राब बस चला रहा था ना कि पूछो मत, कितनी प्रॉब्लम से हम लोग आए हैं वहाँ से, कहीं बस में ठोक दे रहा था तो कहीं ऑटो पे ठोक दे रहा था। शुरू में मैंने आप लोगों से बताया था कि ना बोली में उतार दो, नहीं उतरे, उतर गई होती तो अच्छा था, एकदम दिमाग टेंशन में हो गया था, जब बस से उतर गई तभी भी टेंशन में ही दिमाग था, क्योंकि उसके बाद जब सुनसान सड़क पे बस रोक गया था और रात के 8 बजने वाले थे, 7:40 हो रहा था, तो फिर एक ऑटो जा रहा था, 2-3 ऑटो जा रहे थे, उसने नहीं रोका, फिर एक ऑटो भैया ने रोका और मुझे बैठा के यहाँ मतलब जहाँ ऑटो पकड़ते हैं वहाँ ला के छोड़ा। मैंने पैसे के लिए भी बोला था उनको तो पैसे नहीं लिए, आज के ज़माने में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो पैसे मैं दे रही थी नहीं लिए, फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि वहाँ जाके वहाँ से 100 रुपीज़ दे दोगे तो ऑटो आपको मिल जाएगा, आपके घर तक ले जाके छोड़ देगा, तो ऐसा ही हुआ, ऑटो घर तक ला के मुझे छोड़ा। तो जल्दी जल्दी मैं फिर आने के बाद दादी से बात करने लगी, फिर खाना वाना खा के फिर सो गई, तो बात नहीं हो पाई। चलो कोई नहीं, फौज तो गए घर पे, तो यही है ब्लॉग आज का, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मक्की इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सो लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।